बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्मार्ट टेक यूट्यूब चैनल। इस वीडियो पे मैं आपको अमेजिंग ट्रिक के बारे में बताऊंगी कि आप अपने वीडियो से कॉपीराइट क्लेम कैसे रिमूव कर सकते हैं। सिर्फ एक मिनट के अंदर आप अपने वीडियो से कॉपीराइट क्लेम रिमूव कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सबसे पहले मैं आपको इधर शो करवाती हूँ कि मेरी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आ रहा है, तो अब मैंने इसे रिमूव कैसे करना है। मैंने आपको वीडियो दिखाती हूँ कि मेरी ये वाली वीडियो के ऊपर कॉपीराइट क्लेम आ रहा है। मैंने अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है, मैंने क्रोम ओपन कर लिया है। उसके बाद मैंने वाइटी स्टूडियो सर्च करना है। वाइटी स्टूडियो सर्च करने के बाद आपको इधर लॉगिन या साइनअप जो भी आपने करना है वो आप कर ले। मैंने ऑलरेडी साइन इन किया हुआ था तो इसलिए मैंने वो ओपन हो जाएगा। ऐसे कुछ इस तरह से स्क्रीन आपको शो होगी वाइटी स्टूडियो की। वाइटी स्टूडियो ओपन हो गया है। यहाँ आपको लेफ़्ट साइड पर सेकंड ऑप्शन कंटेंट का शो होगा, आपने उसके ऊपर प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद आपको आपकी सारी वीडियोस, शॉर्ट्स, जो पब्लिक है, प्राइवेट है, सब कुछ शो होना शुरू हो जाएगा। कॉपीराइट क्लेम जिस पर आया है, कौन सी किस पे कितने व्यूज़ है, सब शो होगा। मैं आपको इधर जूम करके दिखाती हूँ कि मेरी ये फ़र्स्ट वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आया है, तो कॉपीराइट क्लेम रिमूव करने मैंने अब। जी हाँ, ये ऊपर बॉक्स में भी लिखा हुआ है कि कॉपीराइट प्रोटेक्टेड कंटेंट फाउंड, यानी कि हमने ओनर की परमिशन के बगैर कुछ ऐसा ऐड म्यूज़िक किया या कुछ ऐसी पिक ऐड किया जिसकी वजह से हमारा कॉपीराइट क्लेम आ रहा है। तो मैं सी डिटेल के ऊपर प्रेस करती हूँ। क्लिक करने के बाद मुझे इधर ऑप्शन आएंगे कि अब इधर शो हो रहा है कि मैंने 17 सेकेंड्स के जौन सा मैंने इधर सॉन्ग लगाया है, हाईलाइट सॉन्ग का नाम है, उसकी वजह से मेरा कॉपीराइट क्लेम आ रहा है। मैंने इसे रिमूव कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। इधर ऊपर लिखा है कि कॉपीराइट क्लेम का कोई इशू नहीं है, कॉपीराइट स्ट्राइक का इशू होता है आपके चैनल के ऊपर, आपकी वीडियोस के ऊपर। बॉटम राइट कॉर्नर पे आपको 3 डॉट शो होंगे, उस पर आपने प्रेस करने के बाद आपको इधर प्ले सॉन्ग और म्यूट सॉन्ग का ऑप्शन शो होंगे। मैंने प्ले सॉन्ग के ऊपर प्रेस किया है। उसके बाद आपको ऑप्शंस शो होंगे कि आप कौन कौन सा, यानी कि गाना जो सा है, सॉन्ग है, या कुछ भी आप म्यूज़िक ऐड कर सकते हो अपने वो वाले कॉपीराइट क्लेम जो सी सॉन्ग आ रहा है उसकी जगह पर आप इनमें से कोई भी ऐड कर सकते हो। विदाउट कॉपीराइट सॉन्ग्स होंगे जो इधर शो हो रहे हैं, लेकिन मैंने इधर नहीं ऐड किया। मैं सेकेंड ऑप्शन कॉपीराइट रिमूव करने का यूज़ करूँगी, वो है आपने अगेन 3 डॉट्स के ऊपर प्रेस करना है और म्यूट सॉन्ग के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। म्यूट सॉन्ग पे क्लिक करने के बाद आपको इधर शो होगा कुछ इस तरह से कि आपको जो सा 17 सेकंड का जो सा सॉन्ग आपने ऐड किया है उसे म्यूट करना है। मैंने म्यूट सॉन्ग के ऊपर प्रेस किया है और उसे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको ये जो सा म्यूट है, जो सा सॉन्ग है, हाईलाइट सॉन्ग है, वो म्यूट हो जाएगा और ये सॉन्ग आप म्यूट के ऊपर क्लिक करके कंटिन्यू कर देंगे और आपका जो सा ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा जो आपने कॉपीराइट क्लेम के लिए स्टार्ट किया था रिमूव करने के लिए। जी हाँ, जैसे कि मैंने बताया था कि प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गया है, तो वीडियो एडिटिंग इज़ इन प्रोग्रेस, यानी कि वो अभी भी प्रोसीजर हो रहा है, थोड़ा सी चेकिंग हो रही है वीडियो की, या 2 से 3 मिनट के बाद आपके जो उनसे कॉपीराइट क्लेम रिमूव हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने अपने वीडियो से सॉन्ग म्यूट करवाया है, तो आप इधर मैं आपको अपनी वीडियो पर जाकर दिखाती हूँ। जैसे कि प्रोसेसिंग अप टू HD, यानी कि इधर अभी अपलोडिंग स्टार्ट हो रही है, अभी प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हुई। जब प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ जहाँ अपलोडिंग लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पब्लिक प्राइवेट जो भी आप करेंगे वीडियो को वो लिखा हुआ आ जाएगा और आपका कॉपीराइट क्लेम जो है टोटली रिमूव हो जाएगा और आपके वीडियोस पर कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा और ये आपकी वीडियो को अफेक्ट नहीं करेगी कोई भी चीज़। जी हाँ, आफ्टर 2 से 3 मिनट्स आपकी जो सी ये वीडियो के ऊपर अपलोड हो जाएगी, ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा और वो कॉपीराइट क्लेम रिमूव हो जाएगा, व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपने अपने जो सी कॉपीराइट रिमूव जिस पे आपने किया है वो वाली वीडियो प्राइवेट टू पब्लिक कर लेंगे, तो मैं आपको अब दिखाती हूँ अपनी वाइटी स्टूडियो या फिर अपना यूट्यूब चैनल ओपन करके। जी हाँ, ये फर्स्ट वाली वीडियो जिससे मैंने अपना कॉपीराइट क्लेम रिमूव किया है उस पर व्यूज़ भी आना स्टार्ट हो गए हैं और कॉपीराइट क्लेम ईजिली मैंने रिमूव कर लिया है। इस तरह आप भी अपना कॉपीराइट क्लेम अपने वीडियो से इजीली रिमूव कर सकते हैं, जो पार्ट, जो पोर्शन या सॉन्ग्स आपने जैसे रिमूव करना है। और रिस्ट्रिक्शंस में भी ना आ रहा, पहले कॉपीराइट आ रहा था, कॉपीराइट क्लेम आ रहा था और चेकिंग इन अ प्रोसेस आ रहा था, प्रोग्रेस या फाउंड आ रहा था। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन पर प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।